विकी बस स्वागत है आपका और आइए बात नेशन के सुपर हीरो की। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि भारत में इस महामारी को हराने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद डर का माहौल है। आज 1 जुलाई है, यानी कि डॉक्टर्स डे है। आज हम एक ऐसे हीरो की बात करेंगे जो डर के बावजूद हर समय हर घड़ी अपने मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वॉरियर्स के हौसले को सलाम कर चुके हैं। पूरा देश इन जाबाजों की मेहनत का कायल है। ऐसा हो भी क्यों ना, इन वॉरियर्स ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। इन्होंने चिंता की तो उन मरीजों की जो कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो गए। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दूसरों को जीवन देने वाले योद्धा 6 से 8 घंटे तक पीपीई किट में रहते हैं। ये हालात तब है जब दिल्ली सरकार कोर्ट में मान चुकी है कि कोरोना वॉरियर्स घटते जा रहे हैं, लेकिन सलाम इनको है जो हर खतरे को जानते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए दिन रात मरीजों के इलाज में जुटे हैं। ऐसी एक वॉरियर है डॉक्टर रितु सक्सेना, जो दिल्ली में कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल LNJP में इमरजेंसी की हेड है। LNJP कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल का जिस एरिया में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ये मेन रिसेप्शन एरिया है। बाहर सारी एम्बुलेंसेज आपको नजर आ रही होंगी। एम्बुलेंस से जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, एम्बुलेंस से उनको LNJP के इस रिसेप्शन एरिया तक लाया जाता है। उसके बाद सीधे कोविड कैजुअलिटी एरिया में अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स एसेस करते हैं कि पेशेंट्स किस तरीके के हैं। 17 मार्च को LNJP अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज शुरू हुआ और अब ये दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड का डेडिकेटेड सेंटर बन गया है। तब से डॉक्टर रितु मरीजों के एडमिशन से लेकर उनके इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रही है। एक्चुअली अगर आप पूछें तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। जितना बड़ा पैंडेमिक है उसके हिसाब से हम जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कम है। हमारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है कंट्री को, तो मुझे लगता है अगर ये स्लीपलेस नाइट्स और ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। कई डॉक्टर और नर्स और स्टाफ को मिलाकर देश भर में 1000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। 2 डॉक्टर समेत दिल्ली के 4 हेल्थ केयर वर्कर कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर मर्जियों का इलाज कर रहे हैं। हर्ष चंदवानी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी डॉक्टर्स को सलाम किया है। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके डॉक्टर्स को सलाम किया है। डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ जिंदगी बचाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए कहा, हम डॉक्टर्स का ऋण कभी नहीं उतार सकते। महामारी के दौरान जैसा काम देश के डॉक्टर्स ने किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए क्या कहा। उन्होंने कहा, भारत हमारे डॉक्टरों को सलाम करता है जो COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। आज डॉक्टर्स दिवस है, डॉक्टर्स डे पर और डॉक्टर्स के जज्बे को न्यूज़ नेशन भी सलाम करता है।